Good evening, class. Welcome to my channel, Deb's Coaching. As you know, there are many things to learn in this world. So, my opinion for you all, just be a good learner. So, today we are going to learn. Today's topic is, you can see here, verb, बहुत लंबा चौड़ा वाला यहाँ पे लिखे हैं already हम. A verb is a word that we use to refer to action and a state of being. It means an action, that is verb. Like watch, like learn, like teach, like look, like watch, like sit. All these are verbs. So today we are going to know about verb. Firstly, I would like to tell you the parts of verb. Like, just wait. So look here. I'm going to write. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ verb. ठीक है, देख पा रहे हो? चलो लिख दिए. अब क्या करना है? इसको हम डिवाइड कर देते हैं. मेन वर्ब्स, यू कैन सी हियर, मेन वर्ब्स एंड ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है. अब इसको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल्स. मॉडल्स नहीं तो मॉडल वर्ब्स, दोनों सेम है. मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स. ऑलराइट, प्राइमरी वर्ब इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, लाइक टू बी, टू हैव एंड टू डू. ऑलराइट, टू बी मतलब कौन वाला होता है? एम इज, चलो आर लिख देते हैं ना, एम इज आर वाज वेयर. ये टू बी वाला आज हो गया. यहां पे क्या होता है? हैज, हैव और हैड. टू बी में आता है एम इज आर वाज वेयर, टू हैव में आता हैज, हैव एंड हैड, और यहां पे आप देख पा रहे हो डू में आता है डू, डिड, डज. हो गया, कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 यहां पे हो गया. यहां पे क्या मॉडल्स में क्या होगा? विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to, used to, need to, dare to. टोटल कितना हो रहा है देखते हैं. चलो, एम इज आर वाज वेयर, पांच, हैज, हैव, हैड, तीन, पांच तीन आठ, डू, डिड, डज, आठ और तीन ग्यारह हो गया, इलेवन हो गया. यहां से टोटल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Will, shall, can, may, would, should, could, might, must, ought to, used to, need to, dare to. ऐसे भी बोल सकते हो आप, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, और ought to, dare to, need to. तो ये हो गया टोटल यहाँ पे 24 auxiliary verbs. 24 auxiliary verbs हो गया. अब आ जाते हैं यहाँ पे मेन वर्ब्स में. मेन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज लाइक फाइनाइट एंड infinite or non finite verb. Second one is like transitive and intransitive verb. And third one is regular or irregular verb. So finite, infinite, you can also call non finite verb. एंड ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर. तो क्या देख पा रहे हो यहाँ पे? वर्ब को वर्ब हम तोड़ दिए यहाँ पे टोटली. कैसे तोड़े हैं? पहले मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब कर दिए. इधर मेन वर्ब को डिवाइड किए हैं फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में. उसके बाद ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, उसके बाद किए हैं रेगुलर, इरेगुलर. हो गया. फिर यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको टोटल 24 हम यहाँ पे लिखे हैं. क्या लिखे हैं? प्राइमरी मॉडल्स हो गया. प्राइमरी में क्या आ रहा है? एम इज आर वाज जो है वेयर, ये जो हो गया ये टू बी में आता है. उसके बाद क्या है? टू हैव. टू हैव में हैज, हैव, हैड
एंड टू डू में क्या डू डिड डज हो गया, कंप्लीट मॉडल्स बनाए जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, आसान है, इजी है एकदम। विल वुड, शैल शुड, मे माइट, कैन कुड हो गया आठ। विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट आठ हो गया, मस्ट हो गया नौ, देन ऑट टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू हो गया खत्म। वहां पे कितना हुआ था, नाइन हुआ था, उसके बाद टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, इधर है इलेवन, ट्वेंटी फोर टोटल, देन ट्वेंटी फोर ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो आज हम लोग जो यहां से स्पेसिफिक जो सीखने जा रहे हैं, कौन वाला, फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब, वहीं से शुरू करते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, यू कैन टेक, सॉरी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लिखना तो जरूर है कॉपी में, क्योंकि इतना डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, यू हैव टू राइट, ऑलराइट। चलो इसको मिटा देते हैं, हो गया खत्म। देन द टॉपिक इज, लगा तो वर्ब होगा, वर्ब भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में बता रहे ताकि जानकारी रहना जरूरी है। एज आई सेड, माय ओपिनियन इज यू हैव टू बी ए गुड लर्नर, वी ऑल आर गुड लर्नर्स, ऑल द मोमेंट वी आर जस्ट लर्निंग। चलो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है, बहुत आसान है ये, सीबीएसई में क्लास सेवन में है, और कोई भी क्लास में हो या उस वो मायने नहीं रखता है, जस्ट यू हैव टू लर्न। सो क्या लिखे हैं, फाइनाइट वर्ब, चलो देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्या लिखे ये, व्हाट इज दिस, ये हो गया फाइनाइट का वर्ब कभी, दैट मीन्स फाइनाइट वर्ब, इसको क्या कर दिए, सर्कल कर दिए। अब देखो क्या कर रहे हैं हम यहां पे, ये क्या हो गया नंबर, ये क्या हो गया पर्सन एंड टेंस। अगर ये बोले हम कि फाइनाइट वर्ब इज ओनली लिमिटेड टू नंबर, टेंस एंड पर्सन, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर कैसे, क्यों, व्हाई, हाउ, यही होना चाहिए सर, एक्सप्लेन प्लीज। सो ये प्रूफ तो हम कर देंगे। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द नंबर। चलो हमको क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, क्या बोले हम, हमको क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, तो आई वुड लाइक टू गो टू द ग्राउंड, ऑब्वियसली घर पे तो क्रिकेट खेलेंगे नहीं हम, चलो आई वॉन्ट टू गो टू द ग्राउंड, चलेंगे ग्राउंड में जाके देख रहे कोई नहीं है, आई हैव द बॉल ओनली, तो हम ऐसे उसको कैच कैच ऐसे खेलेंगे लाइक दिस। वहां से एक बंदा जस्ट गुजर रहा है, पूछा क्या कर रहे हो तुम यहां पे, क्या आंसर होगा आपका, पूछ दिया आपको कि क्या कर रहे हो आप यहां पे, तो आप क्या बोलोगे, मैं खेल रहा हूं, लाइक आई एम प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। चलो दो चार बच्चों में बहुत भी आ गया, आपका नाम राहुल है, राहुल अकेला बॉल लेके ऐसे से कैच ले रहा था, कोई पूछ दिया क्या कर रहे हो, तो बोला कि मैं खेल रहा हूं, वहां पे राज आ गया, वहां पे रमेश आ गया, वहां पे प्रकाश आ गया, ऐसे दो चार बच्चा और आ गया। एक जन तो अकेले तो कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता है, जानते भी हो कल इंडिया और इंग्लैंड का जो सेकंड सेमीफाइनल है, जानते भी हो, सो एक्चुअली आई लव क्रिकेट, तो क्या है मैटर कि चलो वहां पे दो चार जन और आ गया, अब फिर से वही बंदा गुजर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, हम लोग खेल रहे हैं, तो हम लोग, दैट मीन्स पहले आई हुआ था वहां पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू कैन सी द डिफरेंस हियर, आई हैव रिटन द बोथ लाइंस, तो यहाँ पे डिफरेंस आप देख पा रहे हो क्या है ना, आई एम प्लेइंग जब अकेले थे तब बोले थे, अभी जब सबको यहाँ पे एक साथ हो तो क्या बोले हो, वी आर प्लेइंग, तो वी आर प्लेइंग दैट मीन्स इट इज द चेंज ऑफ नंबर, एम आई राइट, ये हो गया सिंगुलर वाला और ये हो गया प्लूरल वाला। एज यू नो नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड सेकंड वन इज प्लूरल, तो ये हो गया सिंगुलर से प्लूरल, तो हम बोल सकते हैं ये वाला फाइनाइट वर्ब है, दैट इज लिमिटेड टू नंबर यहां पे। चलो दूसरा क्या लिखा हुआ है, पर्सन, एज यू नो पर्सन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड वन इज सेकंड पर्सन एंड द थर्ड वन इज थर्ड पर्सन, ठीक है। सो
गर्मी का टाइम है, सभी है तो विंटर है यू नो, गर्मी का टाइम है, हमको आम खाने का मन कर रहा है, तो हम बोलती है आई वांट मैंगो, हमको मैंगो चाहिए, पापा आई वांट मैंगो, पापा हमें मैंगो चाहिए, आम चाहिए हमको, आम खाना है हमको, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में आई वांट मैंगो, चलो ठीक है यहाँ पे लिखती है आई वांट मैंगो। मेरा दोस्त भी आ गया वहां पे, अब उसको भी मैंगो चाहिए, उसको भी आम खाना है, तो क्या बोलोगे, पापा ही वांट्स मैंगो, सो ही वांट्स मैंगो, एम कैपिटल नहीं होना चाहिए, गलती से हो गया सॉरी, वांट्स मैंगो, ही वांट्स मैंगो, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द डिफरेंस, क्या डिफरेंस यहां पे दिखाई दे रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी, हाँ सर ये जो है ना ये डिफरेंस है, आपको बताया कि लाइक दिस, सर ये यहाँ पे वांट था, यहाँ पे वांट्स कैसे हो गया, अरे कैसे नहीं होगा, ये वाला जो है ना ये फर्स्ट पर्सन है आई, और ये जो ही है ना ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है, क्या ना पर्सन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, दिस वन इज द फर्स्ट पर्सन एंड ही इज द थर्ड पर्सन, बस इसलिए वांट्स और वांट्स हो गया। इससे पहले भी हम बोल चुके हैं पहले बहुत सारे वीडियो में दैट एक तो सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दैट टाइम वी हैव टू ऐड एस और यस विद द मेन वर्ब, तो यहां पे पर्सन के हिसाब से ये वर्ब चेंज हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं ये भी फाइनाइट वर्ब है, ऑब्वियसली वी कैन से दोनों हो गया, दैट मीन्स अभी इतना दूर तक तो बोल ही सकते हैं फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड टू नंबर एंड पर्सन, क्योंकि अभी तक टेंस वन ही अभी होने जा रहा है, चलो टेंस दे, तो अब क्या करने गए थे, खेलने गए थे, खेलने गए थे, कहां पे गए थे, मैदान में गए थे, चलो आ गए घर, अब कोई फिर पूछा कैसे खेले हो, क्या खेले हो, तो आप बोल दिए आई प्लेड क्रिकेट, क्या लिखे हम यहां पे, एज यू नो टेंस इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पास्ट, सेकेंड वन एंड थर्ड वन इज फ्यूचर, इट इज डिवाइडेड इन टू मोर टोटल 12 टेंसेस आर देयर लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बहुत सारा है, 12 टोटल, देयर आर 12 टेंसेस टोटली, सो यू कैन सी हियर, हम बोले कि हम गए थे खेलने, हम खेले हैं क्रिकेट, सो आई प्लेड क्रिकेट, फिर से पूछ दिया आपको कल खेलना है, I will play cricket. So, यहां पर बोल सकते हैं I will play cricket. हम cricket खेलेंगे in future. So, ये देख पा रहे हो the change. It is the past form, second form of play. And you can see here will play. ये हो गया ना future. तो verb का change हुआ है यहां पे. Verb का change हुआ है ना. टेंस के हिसाब से नाउ आई कैन से दैट फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड टू नंबर पर्सन एंड टेंस, तो फाइनाइट वर्ब किसको बोलेंगे हम जिसका लिमिट कहां तक रहता है, नंबर तक रहता है, टेंस तक रहता है, पर्सन तक रहता है, उसको और एक क्षमता रहता है, फाइनाइट वर्ब हैज अनदर पावर, यू नो दैट, क्या है, कुछ नहीं है, वो जस्ट यही है दैट ही हैज नॉट ही सॉरी ही बोलना सही नहीं हुआ यहां पे, it has the ability to create or make a sentence, बहुत ताकत है इसके पास, finite verb can create or make a sentence like I want to play, ठीक है, You can see, I want to play. यहां पे एक वर्ब देख पा रहे हो want. What I have said, verb that means a word that shows action. तो यहां पे क्या देख पा रहे हो want ये वाला वर्ब है ना और play ये भी वर्ब है ना. चलो just सपोज करते हैं कि ये जो नहीं है तो क्या रहेगा I want दिख रहा है ना I want. तो I want that means क्या है What is the definition of sentence? Can you please tell me? Sentence का definition क्या है A group of words that makes a complete sense that is called sentence. ठीक है तो एक group of words, एक number word यहाँ पे रखा हुआ है I want
दैट मीन्स मुझे चाहिए. सो इट हैज अ कंप्लीट सेंस, एम आई राइट? तो ये जो है इसका कंप्लीट सेंस है, अलग कर दिया. आई वॉन्ट इधर कर दी, टू प्ले को उस तरफ, उस तरफ कर दी. इसका अपना सेंस है, इसका मीनिंग है, एंड इट इज गिविंग अस अ प्रॉपर मीनिंग ऑल्सो, इट इज अ सेंस. सो हम यहां पे बोल सकते हैं यस, एक सही वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस है, बोल सकते हैं. चलो बोल सकते हैं. ये टू प्ले को आप देखते हैं, क्या लगता है टू प्ले एक सेंटेंस है? यह हो सकता है? नहीं है. दैट मीन्स ये जो है वो आप देख पा रहे हो, ये हो गया फाइनाइट वर्ब जिसके पास वो क्षमता है. इट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट और मेक अ सेंटेंस. लेकिन ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब जिसके पास वो क्षमता नहीं है. दैट फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, देन नॉन फाइनाइट वर्ब इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फाइनाइट वर्ब. दैट मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड एंड नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट हैव एनी एबिलिटी. नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट हैव एनी एबिलिटी टू क्रिएट और मेक अ सेंटेंस. दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. लाइक आई वॉन्ट टू प्ले, ये जो टू प्ले हो गया, दिस पोर्शन इज नॉन फाइनाइट वर्ब. फिर होता है बींग ए टीचर, तो बींग ए टीचर बींग ये जो बींग है ये पोर्शन हो गया. सो फाइनाइट वर्ब को पूरा क्लियर कर दिया. इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, नहीं इसका लिमिट है नंबर पर्सन टेंस तक, और ये अपने दम पे कोई सेंटेंस बना पाता है. और नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या है, ना इसका कुछ लिमिट है और ना ही ये सेंटेंस बना पाता है. दैट इज फाइनाइट वर्ब एंड अनदर वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब. सो इट इज क्लियर. सो देन एंड फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्रोबेबली यू हैव क्वेरीज. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And in the next video, we are going to know more about verb and और भी बहुत कुछ जानने का है, अभी जानेंगे बहुत सारा. So do subscribe the channel. अगर जानने का शौक है तो, जानना चाहते हो तो subscribe the channel. And video थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना. Thank you.